उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको नज़र आ रही होगी और मैं पूरा आ रहा हूँ, क्योंकि मैं बैक वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैक कैमरा में, फ्रंट कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अब मुझे लगता है कि मुझे फ्रंट कैमरा में रिकॉर्ड करना चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे पता तो चले कि क्या आपको दिख रहा है क्या नहीं। असल में क्या है, हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गया हूँ फ्रंट कैमरा पे। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को, व्यूवर्स को क्या क्या दिखाई दे रहा है क्या नहीं। सो आज ये एलोवेराज बहुत दिनों के बाद मैंने देखे, क्योंकि मैं ऊपर आता नहीं हूँ अपने गार्डन में, ज़्यादातर अपनी बस वीडियो ही बनाने आता। तो आज मुझे टाइम मिला, क्योंकि आज संडे है, संडे 25th है या 26th जुलाई है शायद, मैं भी, क्योंकि मुझे आजकल याद नहीं रहती डेट। तो कम टू द पॉइंट, ये एलोवेराज थे, मैंने लगा के छोड़ दिए थे, मुझे पता ही नहीं था कि ये कहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं भूल गया था। इसने माशाल्लाह से कितनी ग्रोथ की, आप देख लें खुद। ये इसका मदर प्लांट है, ये वाला इसका मदर प्लांट है, और इसमें ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये इसके चाइल्ड्स हैं, मदर चाइल्ड। एलोवेरा सीड्स नहीं देती, सीड्स देती भी है, पहले फ्लावर करती है, वो जो डंडा निकलता है बीच में से, तो उसमें से फ्लावर निकलते हैं, लेकिन ये एलोवेरा उस सीड्स में से ग्रो नहीं होता, ये अपने चाइल्ड देती है, जैसे बच्चे देते हैं ना, ये अपने बच्चे ग्रो करती है नीचे, जर्मिनेट, इसके अंदर कोई सिस्टम होता है। तो आज करना क्या है, आज मैं इसको अलग करूँगा, सेपरेट करूँगा, ईच एलोवेरा विल बी सेपरेटेड इन दिस वीडियो, ओके। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एलोवेराज को कैसे ग्रो करें और उनको किस तरह से हम धूप से बचाएं, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट का मतलब होता है कि इसको धूप नहीं चाहिए। वैसे आमतौर पर प्लांट्स को गर्मियों में 3 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है, और सर्दियों में 8 से 12 घंटों की धूप चाहिए होती है। चले तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे, मेरे पास कुछ पॉट्स हैं जो खाली पड़े थे, तो मैंने सोचा इसको कर देते हैं सेटिंग इसकी, तो चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे करना क्या चाहिए कि इसको अलग करना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा, हो सकता है मैं फिर आपको ये वो वाली चीज़ दिखाऊँ जिससे ये ग्रो करते हैं, जैसे कि इनमें से सीड्स निकलते हैं, ओके। तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, सही है। एक तो मेरा ये ट्राईपॉड है गलत जगह पे पड़ा हुआ है, और दूसरी मेरे पास जगह नहीं है, मैंने अपने गार्डन की बहुत दिनों से देखभाल नहीं की, सेटिंग भी नहीं की, तो मतलब मैं आया ही नहीं हूँ, बहुत बिज़ी हो गया ना, हर कोई इंसान अपने कामों में बिज़ी हो जाता है, लेकिन गार्डन से मेरा लव है, प्लांट्स से मेरा लव है, आई लव प्लांट्स वेरी मच, आई लव गार्डनिंग वेरी मच, ये मेरी हॉबी नहीं बल्कि मेरा पैशन भी है, गार्डन और गार्डन की फ़ोटोग्राफी, गार्डनिंग फ़ोटोग्राफी जिसको बोलते हैं, फ्लावर्स फ़ोटोग्राफी। सो कम टू द पॉइंट, तो मैंने इसलिए ये निग्रो किया है, देखें मेरी बादशाही यही है यहाँ पे, ये सारे मेरे फ्लावर्स हैं, मेरे प्लांट्स हैं, जल जाते हैं तो फिर दुख भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मैं आजकल टाइम दे नहीं पाता इनको, तो चलें इसको अलग करते हैं, कम टू द टॉपिक, क्योंकि हवाल बहुत हो गए, सही है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को एडिट ना करूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, और मेरे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है कि मैं इसको रेंडर कर सकूं, क्योंकि म्यूज़िक लगाना या उस पर ट्रांजिशन लगाना, इफ़ेक्ट लगाना, ये बहुत हैवी हो जाता है फिर, और मेरे पास ना लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, तो मैं अपनी जो भी वीडियोज़ होते हैं, ज़्यादातर मुझसे लोग पूछते हैं कि अपनी वीडियो आप कैसे एडिट करते हो, तो भाई एडिट करता हूँ मैं अपनी वीडियोज़ अपने मोबाइल में ही करता हूँ, और सॉफ्टवेयर है कोई काइन मास्टर है, उनमें भी करता हूँ, और दूसरा भी है कैप कट और इन शॉर्ट, उसमें भी करता हूँ कभी कभी, लेकिन वीडियोस मेरा ये मानना है कि वीडियोस एडिट करने से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, सही, जो कि मेरा नहीं होता कि गुड, कम टू द पॉइंट, मैं आ रहा हूँ, सही। तो इसको अब करेंगे हम,
क्योंकि ये बहुत ही नोकदार होते हैं, शार्प होते हैं। अगर लग गए आँख में तो फिर पता लग पता जाएगा फिर। सही, अब ये नहीं आ रही ना वीडियो, अब इसको नीचे करना पड़ेगा। अब आ रही है वीडियो, सही है। तो अब इसको निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे इसको निकालेंगे। ज़्यादातर ऐसे टैप करने से निकल जाता है, लेकिन देखते हैं। अब क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं और ये बहुत वज़नी है, आपको पता है इसमें बहुत वेट है, वेट मतलब हैवी वेट, इसमें बहुत वज़न है, तकरीबन 20 से 25 किलो होगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा लिक्विड होता है, इसमें अंदर पानी भरा होता है। ये पानी है और ये पॉट है, इसमें अंदर मैंने मिट्टी डाली हुई थी, मिट्टी और वो सैंड। अब मुझे इसको एक एक करके निकालना पड़ेगा क्योंकि काम तो बहुत ख़राब हो गया है, या फिर हमें कुछ और तरीका करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स अगेन मैं आ गया हूँ। इसको एक दूसरा तरीका भी करके देखा मैंने, लेकिन ये इससे आज़ाद नहीं हुई। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इसको बहुत ताकत चाहिए होती है इसके लिए। ठीक है, नहीं निकल रहा। असल में क्या होता है, इसकी जो रूट्स है ना, वो स्पॉट में ऐसे मतलब जकड़ लेती है ना खुद को, निकलना मुश्किल हो जाता है। निकला 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 भाई। ओ ये देखें, ये रूट्स देखें, ये जो येलो येलो नज़र आ रहा है ना, चले मैं बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सेपरेट करें। वो जो येलो येलो नज़र आ रहा था ना, वो जो आपको दिखाना था, वो ये चीज़ है, ये वाली। इसमें से इसके सीड्स बनते हैं, जैसे इसके चाइल्ड्स, ये जो ग्रीन होते हैं ना, ये बाहर निकलते हैं, फिर इसके चाइल्ड ऐसे हो जाते हैं। चले अब इसको ये देखें, लुक एट दिस थिंग। ये छोटा बच्चा था इसका, जो कि मैंने बर्बाद कर दिया, लेकिन ये फिर भी इसकी जो है वो रूट्स साबित हैं, मतलब अभी सही हैं, सेफ़ हैं, तो ये हो सकता है ग्रो करें। अब आपको दिखाना ये था कि ये देखें, ये वो जो मैंने आपको येलो वाली चीज़ दिखाई थी, क्या बोलते हैं उसको, ग्रोइंग पॉइंट। तो ये ग्रोइंग पॉइंट में से इतना बड़ा बड़ा हो जाता है क्या, ये क्या हो? अच्छा हाँ, इसकी सीड्स फिर भी अवेलेबल हैं, तो इसको हम, ये इसकी सीड्स, इसकी रूट्स ये देखें। अब इसको हम अगर तोड़ दें ये वाली चीज़, तो ये काम की नहीं। अब हो सकता है कि ये ग्रो हो, जो कि डेफिनेटली ग्रो होगा, मैंने किए हैं 2-4 ऐसे ग्रो। ये इसका चाइल्ड है, उस मदर का, ये छोटा, अभी ये भी ग्रो हो रहा था। अब इसको मैं नहीं निकालता तो यही बड़ा हो जाता, लेकिन उसमें बिल्कुल जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको भी अलग किसी चीज़ में मैं इसको लगा दूंगा, ताकि ये भी खुद ग्रो करे, और हो सके तो मैं आपके सामने ही किसी चीज़ में ग्रो करूँगा। ये मैंने होस्टा प्लांट लगाया है, अभी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि मुझे वहाँ पर रखना पड़ेगा, फिर आपको नज़र आएगा। तो मैंने होस्टा प्लांट आपको दिखा देता हूँ, ये होस्टा प्लांट का पॉट है, ये मैंने होस्टा प्लांट लगाया था, मुझे कल किसी दोस्त ने दिया था, तो इसमें ये मैं लगा देता हूँ, क्योंकि ये हमारा होस्टा प्लांट हमारा टॉपिक नहीं है। सही है, इसमें फ़िलहाल तो लगा देता हूँ मैं, बाद में उस चीज़ों को जो वहाँ पे पड़ी हुई हैं उनको फिर मैं अलग कर दूँगा। लगाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। ठीक है, अब आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो ऐसे बनाई है जैसे जैसे मैंने, बस ख्वाब देखा था ये वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं जैसे ही नींद से उठाऊँ ना,
मैं यहाँ पे आके वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू हो गया। ये मेरे पास एक पॉट है, अब इस पॉट में मुझे ये डालने हैं, ये वाले लगाने हैं, सही है। अब मेरी मुंडी तो आ नहीं रही, तो इस पॉट में इसको थोड़ा ऐसे करूँगा। अब मेरी मुंडी आ रही है, अब वरी वो पॉट नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगा। नंबर वन, ये मैंने वहाँ से अलग किया है, अब मैं इसको अलग अलग करके लगाएंगे हम, सही है। तो ये भी है, ये थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी इसको हम यूजेज में ला सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मेरे पास कुछ टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट, एक ये है, क्योंकि एलोवेरा के लिए कोई बड़ा औजार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत नाजुक होते हैं, सही है। दूसरा टूल मेरे पास है चम्मच, अब अगर मुझे कुछ मिट्टी में से कुछ खोदना होता है, जैसे कोई जैसे कि इसकी स्पेस करनी होगी, दिखाता हूँ आपको, अपने अलग किए कर, तो अब इसको डालते हैं इसमें। ये इसको घोटने का काम करता है ये वो ये भी भला है वो ये बखमल वाला हो यानी वहाँ वे लगाया आए वहाँ पर हिम्मत नहीं मना फुटा ना है गुल ना क्या दूँ उसका शम्स डही हो रही इसको इसकी मिट्टी थोड़ी कम कर दी क्योंकि ज़्यादा डाल दी थी मैंने ऊपर आ जाती थी सही है यहाँ पे इसको इसमें लगाते हैं ये चीज़। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें इसकी खुदाई करनी है, इसमें जो भी चीज़ें हैं मतलब अगर एक्स्ट्रा मिट्टी है इसमें तो हमें वो, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक होल होता है, देख लें आप, ये होल है ना, ये वाला होल, तो इसको किसी भी चीज़ से फिल करते हैं ताकि इसके नीचे से पानी ड्रेन होता रहे। अब ये मैं जो है वो ये केना लिलीज़ के लीव्स हैं, केना लिलीज़ के लीव्स इसमें डाल रहा हूँ ताकि ये इसमें से वाटर ड्रेन होगा, ओवर वाटरिंग के लिए होता है ये ड्रेनेज। अब ये इसमें लग गया, अब इसमें जो एक्स्ट्रा मिट्टी होगी ना, इसमें जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो मैं फ़िलहाल के लिए निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे जितनी मिट्टी चाहिए उससे ज़्यादा मिट्टी मेरे काम की नहीं, सही है। अब मैं इसको फिर से खुदाई करूँगा साइड से, इसकी मिट्टी हटा के, हो गया, ओके। अब मैं इसको फिर से ये वाली मिट्टी फिर से इसमें डालूँगा, अब इसमें स्पेस आ गया है, अब इसको देख सकते हैं इसकी रूट्स, इसकी रूट्स, ओके। अब ये चीज़ हमारे काम की है नहीं, तो इसको निकाल लेते हैं, ये भी काम की नहीं है लेकिन फ़िलहाल ज़िंदा है, तो इसको छोड़ दो, इस सफाई कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल न्यू हो गई है, जैसे अभी फूटी है। अब ये नीचे से पता नहीं क्या है इसमें, सही है, इसके अंदर से क्या निकला है देखें, इसको फेंक देते नीचे,
इसको रखते हैं इधर, इसको डालते हैं मिट्टी में, ये मिट्टी की मिट्टी से कवर हो गया, मिट्टी की लेयर डाल देते हैं इसके ऊपर। अब ये है नंबर टू, एलोवेरा नंबर टू, सही हो गया। इसको रखते हैं एलोवेरा नंबर थ्री, ये इस पर, ये देखें ये चीज़ शायद फोकस कर रही है या नहीं कर रही, मुझे नहीं पता। ये वाला है ना, ये येलो, ये इसका चाइल्ड पॉइंट है, ग्रोइंग पॉइंट, न्यू मतलब इसको रिप्रोडक्शन पॉइंट भी इसको कह सकते हैं। ये यहाँ से ये दूसरे निकलती है, मतलब जो चाइल्ड ग्रो होता है ना वो यहाँ से ग्रो होता है, इस येलो वाली चीज़ से। देखिए इसको लगाते हैं इसमें, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। वैसे इसकी बहुत डिमांड है एलोवेरा की, लेकिन मुझसे कोई ख़रीदता नहीं है, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं बेचो बेचो, सेल करो। भाई क्यों सेल करूं, सेल करने के लिए थोड़ी लगाया मैंने, पागल इंसान। क्या है कि आजकल लोगों का ना दीन ईमान पैसा हो गया है, लोग बोलते हैं बस पैसा चाहिए पैसा चाहिए। अरे भाई क्यों पैसा चाहिए, इंसान अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, ज़रूरी थोड़ा ही है कि वो सिर्फ पैसे। हाँ ये बात है, कुछ लोग यही बोलते हैं कि पैसे से हर खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंसान पैसे से ही खुश रहे। क्योंकि जितनी वो स्पाइडर मैन मूवी का डायलॉग है ना, वो जो उसको अंकल बैन बोलते हैं, ज़्यादा पावर के साथ साथ ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी आती है, तो ज़्यादा पैसे के साथ साथ ज़्यादा टेंशन भी आती है। इसलिए बोलता हूँ पैसा भले ही कम हो, टेंशन ना हो, ये मेरा मोटो है, मोटो सही है। ये हो गया डन नंबर थ्री, देखते हैं ना किस कितने लगते हैं, इस पर देखते हैं कितने लगते हैं। नंबर थ्री, ये छोटा था इसलिए छोटे पॉट में लगाया मैंने। सबसे पहले मैंने लगाया 9 इंच पॉट में, 9 इंच के बाद मैंने लगाया 5 एंड 3 8 इंच पॉट में, उसके बाद मैंने लगाया 5 एंड 1 6 इंच पॉट में। अब इसमें लगाएं या दो मेरे पास और पड़े उसमें लगाएं। इसमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो इसमें से भी मुझे मिट्टी निकालनी पड़ेगी। अब कोई भी प्लांट लगाने से पहले हमें मिट्टी को पहले थोड़ा गीला करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, लेकिन एलोवेरा लगाने से पहले हमें मिट्टी को वेट नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये एलोवेरा है ना, ये वो प्लांट है, इसको पहाड़ी पौधा बोलते हैं, ये पहाड़ों में होती है वैसे अक्सर, तो इसलिए ये और वो कैक्टसेस को और एलोवेरास को ज़्यादा पानी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा पानी मिलेगा तो फिर ये इनकी जो जड़ें हैं वो ख़राब होने लगती हैं, रूट्स रोट होने लगती हैं, गलने सड़ने लगती हैं। Did you get my point or not? ये है नंबर फोर। इसमें मैंने चारकोल भी डाले थे और इसमें मैंने बहुत चीज़ें डाली थी, इसलिए ये मिट्टी मेरी ऐसे लग रही है जैसे कचरा है, लेकिन ये कचरा नहीं है। इसमें मैंने ये कंपोस्ट वगैरह की चीज़ें डाली थी। ओके, तो ये नंबर फोर हमारा कंप्लीट हो गया, नंबर फाइव पे आते हैं। नंबर फाइव,
अच्छा दूसरी बात पता है, इसकी जो एलोवेरा की खुद रूट्स होती है ना, वो ऐसे निकल निकल के लास्ट में खुद वो कंपोस्ट बन जाती हैं। क्या है कि ये मेरे पास जो पॉट्स हैं ना, ये बहुत पुराने हैं, इसलिए इसको काम चलाना पड़ता है इनके लिए। सही है, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ये पुराने पॉट मैं लेके आया था, यूज़ में देता हूँ तो वो थोड़े सस्ते देता है, वो नर्सरी वाला दोस्त है मेरा, तो लेके आया था पुराने पॉट। घर पे जैसे मैं पहुँचा ना, जैसे उसमें मैंने कोई प्लांट लगाया तो वो टूट गया था। ऐसे भी होता है, और दो तीन तो मैंने ऐसे ही तोड़ दिए थे खाम खाई में। हर गुरु ठीक हो गया ये, अब इसको फिर से मैं मिट्टी की लेयर से कवर कर देता हूँ ताकि सही तरीके से ये कवर हो जाए इसकी रूट्स। अब जैसे कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही एलोवेराज को या अदर प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उन्हें पता है कैसे प्रोवाइड की जाए ऑक्सीजन। उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है लोहे से, नेल कील्स, आयरनिक नेल्स। नंबर 5 कंप्लीटेड। तो गाइस अब मेरे पास इसके लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं वैसे भी ये छोटी है तो इसको इसमें लगा देता हूँ, तो इंशाल्लाह ये ग्रोथ करेगी। अब इसमें ये छोटे छोटे सीड्स ग्रो होते रहते हैं मेरी पॉट्स में, क्योंकि आसपास फ्लावर्स होते हैं ना, तो जब वो सीड्स करते हैं तो वो सीड्स झड़ते रहते हैं, और वो वहीं जहीं कहीं पर भी रखते हो उसको ग्रो हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको दूसरे में लगा देता हूँ। अगर ये उठ गया तो सही है, नहीं तो फिर भी सही है। ठीक है, तो इसको अब करते हैं, हम इसकी तैयारी करते हैं लगाने की। इसमें भी चारकोल निकल रहे हैं जो कि मैंने कंपोस्ट के लिए लगाए थे। इसमें ये कील्स नेल्स डाल देता था मैं ऑक्सीजन के लिए, वो भी जंग वगैरह में गल गए हैं। लोग बोलते हैं कि गार्डनिंग के वक्त ग्लव्स पहनने चाहिए, अब मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या पहनूंगा। बचपन में तो खेलते ही मिट्टी में थे हम, ये तो अब बड़े हुए तो पता चला है कि जर्म्स भी कोई चीज़ होती है। जब से ये कोरोना वायरस आया है ना, तब से मास्क का भी पता चला है। हम गरीब लोगों को तो सैनिटाइज़र का भी पता नहीं था कि ये सैनिटाइज़र होता क्या है। जब से कोरोना COVID-19 स्टार्ट हुआ, तब से पता चला कि भाई ये भी कोई चीज़ होती है। चले जी, इसको हम नीडल से थोड़ा और खुदाई करके सही हो गया। अब ये जो मिट्टी है ये इसमें डालनी पड़ेगी। SD कार्ड की मेरी स्टोरेज पूरी हो गई, इसको इसकी मैं ये रूट्स वगैरह तोड़ दी थी मैंने ऐसे लास्ट, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रूट तोड़ के, क्योंकि इसकी रूट बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे। वैसे भी मैं बोर कर देता हूँ ना वीडियो में, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सही है, इसको लगा देते हैं बस यहीं पर, डन हो गया ये यहाँ पर हो गया डन। ये था नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये था नंबर 6। सही है, नंबर 6। अब आएगा नंबर 7, इसमें डाल के आता हूँ मिट्टी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर 7 ये वाली। अगर उस छोटे वाले को मिलाएंगे तो फिर नंबर 8 होगा, क्योंकि जो पहले पहले हमने लगाया था। सही है, कपड़े मेरे सारे ख़राब हो गए हैं क्योंकि मिट्टी कीचड़ की वजह से। इसको हम लगाए, इसकी भी रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी रूट्स मैं नहीं तोड़ रहा। तोड़ूंगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नहीं तोड़ रहा, क्या पता इनमें से कोई निकल आ जाए चाइल्ड। स्टार्टिंग पॉइंट, ये यहाँ पे हो गया
डन। ये मेरे हाथ गंदे, हाथ एलोवेराज पूरी हो गई, लेकिन एक जो मदर प्लांट था वो अभी भी बाकी है, तो मैं उसको सोच रहा हूँ उसको किस चीज़ में लगाऊँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उसके हिसाब से मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं उसमें लगा सकूँ, तो उसको छोड़ देते हैं। उसको मैं इस वीडियो में नहीं ला रहा क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ी हो चुकी है, 15 से 17 मिनट की हो चुकी है, सही है, और लोग इतना देखते भी नहीं है, व्यूवर्स इतनी देर ना एलोवेरा का क्या देखेंगे, मैंने बकवास की वो, तो हो सके तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, इसकी स्पीड बढ़ाऊँगा, लेकिन ओके फ़िलहाल के लिए बाय, खुदा हाफिज़। चलें जी, मैंने आपको रूट्स के बारे में बात की थी, एलोवेरा की रूट्स कितनी चकड़ी हुई होती हैं, तो मैं आपको आज आपको दिखाता हूँ कैसी होती हैं, ठीक है, देखें। ये येलो पॉइंट, ये वाली, और ये सारे। अब अगर इसको मैं लगा दूंगा ना, तो ऐसे ही लगा दूँ, मैं तो इसको यहाँ से काटने वाला हूँ, क्योंकि मुझे और एलोवेरा प्लांट्स नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास और एलोवेरा प्लांट्स के लिए जगह नहीं है, मैं इसको काट दूंगा। अगर मैं इसको नहीं काटता तो ये जहाँ जहाँ से ये येलो टर्निंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से एक और एलोवेरा ग्रो हो जाता है ना। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी, अगर आपको इस वीडियो से कुछ हासिल हुआ, कुछ नया जानने के लिए मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच, ओके खुदा हाफिज़ बाय। अब मेरे हाथ ख़राब है, मैं इसको स्टॉप कैसे करूँगा, तो और ये वॉइस कमांड पे भी नहीं चलता मेरा मोबाइल।